हाय ऑल, आज हम लोग हॉररी क्लॉक और 12 मेन मेरिडियंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हॉररी क्लॉक का मतलब होता है ऑर्गन क्लॉक। ऑर्गन क्लॉक क्या है? हमारे टोटल 24 आवर्स जो है, एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं, उसे 12 मेरिडियंस में डिवाइड कर दिया गया है। तो हर एक मेरिडियन को मिलेगा 2 आवर्स। तो हर एक मेरिडियन को 2 आवर्स किस तरीके से निर्धारित किया गया है कि उस समय सबसे ज़्यादा ची फ्लो होता है उस ऑर्गन से। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी ऑर्गन से ची फ्लो नहीं हो रहा है उस समय, बाकी से भी हो रहा है, बट सबसे ज़्यादा ची का फ्लो उस समय, उस पीरियड ऑफ टाइम में, उस ऑर्गन से हो रहा है जिसके लिए वो टाइम दिया गया है। ये हमने नहीं दिया है, इंसानों ने इसे थ्योरी बेस पे नहीं बनाया है। ये प्रैक्टिकली पेशेंट्स के बॉडी पे ट्राई कर करके देखा गया है कि कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है किस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इससे हम समझते हैं। पहले हम 12 मेन चैनल्स जो हैं उसे क्लियर करेंगे, फिर हम हॉररी क्लॉक में जाएंगे। तो सबसे पहले हम एब्रिविएशन देख लेते हैं नेम का। तो टोटल 12 मेन चैनल्स हैं और 2 एक्स्ट्रा चैनल है जिनका नाम है कॉन्सेप्शन वेसल एंड गवर्नर वेसल। जो 12 अदर चैनल मेन चैनल्स जो है उनका देखते हैं नाम और एब्रिविएशन। यूरिनरी ब्लैडर बी और बीएल, गॉल ब्लैडर जीबी, हार्ट एच, एचटी और एचई भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, किडनी के या केआई भी कहीं कहीं मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन एलआई, लीवर एलआईबी और एलआर, लंग्स एलयू, पेरिकार्डियम पी और पीसी, स्मॉल इंटेस्टाइन एसआई, स्टमक एसटी, स्प्लीन एसपी, ट्रिपल वार्मर TW और SJ। कॉन्सेप्शन वेसल और गवर्नर वेसल, इस दोनों को रेन मेरिडियन और ड्यू मेरिडियन भी बोलते हैं। तो इनका एब्रिविएशन CV और RN और गवर्नर वेसल का GV और DU। तो ये 2 जो मेरिडियंस हैं ये एक्स्ट्रा मेरिडियन है, बाकी सब मेरिडियन मेन मेरिडियंस हैं। अब इसमें 2 में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, पेरिकार्डियम में और ट्रिपल वार्मर में। पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट के ऊपर का कवर है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने एक कवर बनाया है उसके ऊपर, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। और ट्रिपल वार्मर कोई एक ऑर्गन नहीं है हमारे बॉडी में, ट्रिपल वार्मर एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारा बॉडी गर्म रहता है। जैसे आप जब हमारे बॉडी के अंदर से जो सांस बाहर निकलती है उसका टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहता है जो हवा अंदर जा रही है उससे, इसी तरीके से जो हमारा यूरिन बाहर आता है वो भी थोड़ा गर्म आता है। तो ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कैसे होता है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ हीट है और वो हीट को बनाए रखने का काम है ट्रिपल वार्मर का। तो ये हो गए 12 मेरिडियंस और 2 एक्स्ट्रा मेरिडियंस के एब्रिविएशंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेन टॉपिक में, जो है पाथवेज ऑफ द चैनल, मतलब किस तरीके से ची फ्लो करता है और वो जो चैनल्स हैं वो किस तरीके से हैं, किस तरीके से अरेंज्ड है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हर चैनल एक दूसरे से कनेक्टेड है। लंग्स वाला चैनल लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टमक से, स्टमक स्प्लीन से, ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो ची कैसे इनमें फ्लो करता है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये सीक्वेंस को समझना। सीक्वेंस को आपको इस तरीके से समझना है कि चेस्ट टू हैंड पहले चैनल जाएगा, फिर हैंड टू फेस आएगा, फिर फेस टू फुट आएगा, फिर फुट टू चेस्ट आएगा, फिर वही सीक्वेंस चालू हो जाएगा, चेस्ट से हैंड, हैंड से फेस, फेस से फुट, फुट से चेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं लंग्स से समझना। लंग्स वाला जो चैनल है वो चेस्ट से स्टार्ट होता है और हैंड तक जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वही हैंड से स्टार्ट होकर के फेस तक आता है, फिर स्टमक से फेस टू फुट, स्प्लीन से फुट टू चेस्ट, हार्ट से चेस्ट टू हैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन में हैंड टू फेस, यूरिनरी ब्लैडर में फेस टू फुट, किडनी में फुट टू चेस्ट, पेरिकार्डियम में चेस्ट टू हैंड, सेंजियाओ में हैंड टू फेस, सेंजियाओ क्या है? ट्रिपल वार्मर, फिर गॉल ब्लैडर में फेस टू फुट, एंड द लास्ट वन इज लीवर, दैट इज फुट टू चेस्ट। अब लीवर में चेस्ट तक पहुंच गया तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा लंग्स में, फिर चेस्ट टू हैंड। तो मतलब ची का ये सर्कुलर मोशन गोल गोल चलता रहता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि ची फ्लो किस सिक्वेंस में होता है। अगर हम लंग्स से स्टार्ट करें, किसी भी एक पॉइंट से पकड़ के हम स्टार्ट करेंगे, तो लंग्स से अगर हम स्टार्ट करें तो पहले लंग्स से ची लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से स्टमक में, स्टमक से स्प्लीन, स्प्लीन से हार्ट, हार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से किडनी, पेरिकार्डियम, देन ट्रिपल वार्मर, देन गॉल ब्लैडर, देन लीवर, फिर लीवर से फिर से लंग्स। तो इस तरीके से ची का फ्लो चलता रहता है।
अब यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैंने दाएं साइड में लिखा है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर, ये सभी एक यांग ऑर्गन्स हैं। और जितना भी मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है, जैसे लंग्स, स्प्लीन, हार्ट, किडनी, पेरिकार्डियम और लीवर, ये सब सब इन मेरिडियंस हैं। तो जो ची है वो इन टू यांग, फिर यांग टू यांग, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन टू स्टमक, ये यांग टू यांग हो गया, फिर यांग टू इन, मतलब स्टमक टू स्प्लीन, फिर स्प्लीन टू हार्ट, मतलब इन टू इन, इस तरीके से ची का फ्लो चलता रहता है कंटिन्यूसली। अब जो मेन टॉपिक है हमारा, ये पढ़ने का मकसद पूरा क्या था, इस हॉररी क्लॉक को समझना, इस ऑर्गन क्लॉक को समझना। अब इसे हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लंग्स से समझना। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंग्स वाला जो टाइम है वो है 3 to 5। 3 to 5 मतलब सुबह का 3 से 5 बजे का समय, 3 to 5 AM। इस समय हमारा ची जो है वो चेस्ट से हैंड की तरफ फ्लो करता है, इस चैनल में सबसे ज़्यादा फ्लो करता है, चेस्ट टू हैंड। फिर हैंड पे ची पहुँच गया तो अब वो हैंड से फेस की तरफ जाएगा, हैंड टू फेस, जो टाइम है लार्ज इंटेस्टाइन का 5 to 7 AM का, ठीक है। इसे मैं रेलवे टाइम में बताऊंगा तो आप उसे समझ लेना, 5 to 7। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये टाइम है जहाँ पर हैंड टू फेस जाता है जी। फिर फेस टू फूट आएगा स्टमक का ये टाइम है 7 to 9 AM। देन फ्रॉम फूट इट विल गो टू चेस्ट, जो स्प्लीन का टाइम है 9 to 11। फिर जब वो चेस्ट पे पहुंच गया तो वापस से फिर हैंड पे आएगा, ये है हार्ट का टाइम 11 to 13 मतलब 1 PM का। फिर हैंड पे आने के बाद फिर वापस से ये फेस की तरफ जाएगा, जो टाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 to 3। फिर ब्लैडर, जहाँ पर वो फेस से नीचे की तरफ आएगा फुट की तरफ, तो फेस टू फुट, ये है ब्लैडर का टाइम, ब्लैडर का टाइम है 3 to 5 का। फिर 5 to 7 किडनी का टाइम है, और किडनी में हमारा जो ची है वो फ्लो होता है किडनी से 5 to 7 PM में। इसमें जो ची का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होगा, चेस्ट टू फुट टू चेस्ट, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। फिर चेस्ट पे आने के बाद फिर से ची हैंड की तरफ आएगा, जो टाइम है पेरिकार्डियम का 7 to 9। फिर पेरिकार्डियम का ची, पेरिकार्डियम से जो ची होकर के आ चुका है हैंड तक, फिर ये हैंड से फेस की तरफ जाएगा, जो टाइम है 9 to 11। यहाँ पर 21 to 23 लिखा है, इसका मतलब होता है 9 to 11, और ये फेस तक ची हमारा पहुँच जाएगा। फिर फेस में आने के बाद ची वापस से फुट की तरफ जाएगा, गॉल ब्लैडर का टाइम है ये, और किनारे किनारे में ऑर्गन्स भी बनाए गए हैं तो उसे भी आप ध्यान से देख सकते हो, गॉल ब्लैडर, और ये आ करके हमारे फुट पे आएगा, तो ये 11 to 1 AM का समय हो जाएगा नाइट का। फिर 1 AM to 3 AM पर लीवर का टाइम स्टार्ट होता है, जो फुट से चेस्ट की तरफ जाएगा, फिर से वो गोल सर्कल स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पर चेस्ट टू हैंड लंग्स का टाइम था। तो इस तरीके से चैनल्स फ्लो हो, चैनल्स के अंदर से ची फ्लो होते रहते हैं। ये पूरा हॉररी क्लॉक हमने समझ लिया, तो हमने ये इंटायर टॉपिक कवर कर लिया, जहाँ पे हमने हॉररी क्लॉक मतलब कि ऑर्गन क्लॉक और 12 मेन मेरिडियंस पढ़े। ये हमें बहुत हेल्प करेंगे हमारे प्रोटोकॉल्स बनाने में और भी ज़्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन को डिटेल में समझने में। थैंक यू।